हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं बस मोबाइल से ही वीडियो बना पाता हूँ, बिकॉज जस्ट सुबह सुबह मैं यहाँ पे बस नीचे उतरता हूँ, उसके बाद मेरा बिल्डिंग से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ। आई होप आप लोग कंसिडर कर रहे होंगे, तो सब मोबाइल से ही बना पा रहा हूँ अभी मैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है कि कई बार हमको किसी को पाने के लिए हमारी सब खूबियाँ कम पड़ जाती है और किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी है। इस टॉपिक पे इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट्स को बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। क्या कि जिंदगी में आप कई बार देखोगे कि आप कितना भी अच्छा किसी के लिए करें, कितना भी अच्छी आप पूरी खूबी अप्लाई कर दे, लेकिन कई बार पाना आसान नहीं होता है और खोने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है, खोने के लिए एक कमी ही काफी होती है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ना बने, आप लोग किसी की एक गलती को इतना कभी कंसिडर ना करें कि आप उसे दूर हो जाए, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। किसी भी एक गलती को इतना बिग आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, और मेरे को लगता है कि नहीं लेना चाहिए आपको किसी की भी एक एक गलती को इतना बिग फॉर्म। बहुत बार हम ऐसा करते और बाद में फील होता है कि एक एक गलती को हम बहुत ही बिग वे में कंसिडर कर लिए। तो ये दुनिया है, दुनिया में मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, सब लोग सेल्फिश हो चुके हैं मैक्सिमम आज की डेट में। पहले भी थे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो सेल्फिश वाला पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आजकल लोग रिलेशनशिप को ताक पर रख देते हैं, लोग फ्रेंडशिप को ताक पे रख देते, लोग प्रोफेशनल लाइफ को ताक पे रख देते, लोग किसी के किए गए कर्म को ताक पे रख देते। अगर किसी का अपना अगर फायदा हो रहा है तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि उनका फायदा हो रहा है कि नहीं, उनका एडवांटेज हो रहा है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना बने कभी भी, क्योंकि अगर आप भी ऐसे बन गए तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही, सब लोग अपना एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, अपनी एक पॉसिबिलिटी फॉर्म करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, दैट इज वेरी गुड फॉर मी। ऐसा वो लोग सोचते हैं कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत सही है। और समय की दरकार, समय का जो स्टेटस है वो यही है कि ये करना चाहिए। बट फिर भी आप इतना यंग एज में जो भी चीज़ आप करते हो, उसके बाद जब आप जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, क्योंकि दुनिया में कोई अमर तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पहले के ज़माने में तो आप देखते भी थे मुगल शासन वगैरह में लोग 10-10 शादियाँ करते थे। आज के ज़माने में जो स्मार्ट लोग हैं उनकी 10 गर्लफ्रेंड होगी, कोई स्मार्ट लड़की होगी उसकी 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे खुश नसीब है, वो सब टेम्प्ररी। जो भी ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब टेम्प्ररी होती है। और जिन लोगों के साथ होती है उनको भी पता चल जाता है कि टेम्प्ररी है। हाँ, जिन लोगों के साथ नहीं होती उनको नहीं पता चल पाता, उनको लगता है काश, उनका काश हमेशा रहता है। बट जिनके साथ हो जाता है उनको पता रहता है। वो वैसे ही बात है जैसे कि मैक्सिमम लोगों के पास पैसा नहीं होता है फाइनेंशियली, वो बहुत अपने आप को फील करते हैं पैसा नहीं होता है मैक्सिमम लोगों के पास। जिनके पास सच में पैसा हो जाता है तो उनको उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होता है लाइफ में कि पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास नहीं होता उसके लिए तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारी जो कमी है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पैसे से ही कवर की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल हैप्पीनेस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, बस जो कि मैक्सिमम लोगों का वहम है कि खरीदा जा सकता है। तो मैं बस मेरा आज का ये वीडियो यही था कि हम ऐसा बने जिंदगी में कि हम इतना बिग ना करें, ठीक है। हम एक लाइफ में एक अच्छे पर्सन बने, लाइफ में अच्छा कैरी करें, और ये छोटी छोटी मेरी बातों को ध्यान रखें, जिंदगी के लास्ट दम तक ध्यान रखें। जो बहुत नाजुक जो रिलेशनशिप होते हैं, नाजुक ही होते हैं रिलेशनशिप, समझ रहे ना, ऐसे टूट जाते हैं आज के डेट में। तो ऐसे ही किसी की एक बात खराब लगने से या थोड़ा सा भी बेस्ट अल्टरनेटिव मिलने से लोग चेंज हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि आप ऐसा कभी मत हो कि किसी के दिल को दुखाए। क्योंकि यकीन मानिए, किसी के दिल को दुखाने से ना वो एनी हाउ कुछ किसी भी तरीके से, साइंस काम करता है, वो कभी ना कभी
वो चीज आपको जरूर याद आएगी कि आप गलत किए थे, वो चीज आपको याद आएगी, आप उससे बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता है, वो चीज आएगी, हो सकता है कल, हो सकता है एक साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद, लेकिन बच नहीं सकते आप, वो चीज आएगी। और हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं गलत किया था इसलिए ये चीज हुआ, सब व्यक्ति को पता होता है, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आप अपने फ्यूचर का प्लान कीजिए एथिकली, जैसे कि आपको आज से 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद कभी फील ना हो कि मैं ये गलत किया था इसलिए मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ठीक है। ऑलवेज टेक केयर। चलो ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया के मीडियम से मैं आप लोगों से बहुत सारी बात करते रहता हूँ, थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है आजकल तो मैं उतनी ही बात कर पाता हूँ। आई होप आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे, इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।